जी राम राम सबने। तो अभी मैं आई हूँ रसोई में, तो बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। तो चलो करते हैं भोग की तैयारी। दिखाती हूँ, बनाती हूँ कि मीठे में क्या है, नमकीन में क्या है, क्या क्या बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। शुरू कर दिए सब्जी बनाने की तैयारी। तो आज मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगे लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी पे। तो छौंक हो गया है, उसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट डाल दिया है इसमें, भाई प्याज वगैरह तो खाते नहीं हमने क्योंकि लड्डू गोपाल है ना, प्याज वगैरह खाते नहीं। तो अभी बस टमाटर का पेस्ट डालना है, प्याज वगैरह तो अवॉइड ही करते हैं मोस्टली। और तब तक ये टमाटर का पेस्ट हो जाएगा, तब तक मैंने रख दिया रिफाइंड पूरियां बनाने के लिए। और आटा मैंने लगा रखा है, देखो आटा मैंने लगा रखा है। इस सब्जी लगा करने के बाद, मटर पनीर की सब्जी बनाने के बाद फिर बनाऊंगी पूरियां। ये सब्जी के अकॉर्डिंग भी जितनी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल दिया, कम ही खाते हैं मतलब मसाले वगैरह का यूज कम ही करते हैं, बस सिंपल नमक मिर्च डालते हैं, ज़्यादा वो नहीं है अभी मसाला वगैरह और MDH ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल बिल्कुल सिंपल खाते हैं। तब तक ये टमाटर का पेस्ट डाला हुआ मैंने, तब तक ये हो जाए उसके बाद डालेंगे मटर। हो गए हैं टमाटर, अब जो ये मटर है इनको फ्राई कर लेंगे, पानी नहीं डाला मैंने। तो तब तक मटर फ्राई हो जाएंगी क्योंकि ये थोड़ी ना टाइट होती है, जल्दी अंधेरा है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो तब तक फ्राई हो जाने के बाद मैंने पनीर के पीस कट करके इसको फ्राई कर लिया था पहले, फ्राई करके निकाला हुआ है अब प्लेट में। तो उसके बाद मटर के फ्राई होने के बाद इसको दोबारा से डिप कर दूंगी सब्जी में, तो फिर उसके बाद कर दूंगी बंद 10 मिनट के लिए। अब मटर का वेट है, हो जाए, हो गई है मटर। तो अब ये वाली पनीर फ्राई करा हुआ है जो पीस कट के, तो ये भी इसमें डाल दे रही हूँ मैं आराम आराम से। हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा अगर ज़्यादा फ्राई करोगे तो ना टाइट हो जाएंगे ये पनीर के पीस। अभी पहले फ्राई करा हुआ था ये, तो अब दोबारा फ्राई नहीं करेंगे, अभी इसमें बस पानी डाल देंगे इसके अकॉर्डिंग, जितनी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है बस। अब कर देंगे बंद। तो अभी सब्जी मैंने रख दिया दूसरे चूल्हे पे और इस पे रख दिया मैंने रिफाइंड। तो अब पूरियों की तैयारी, पूरियाँ उतार करके पहला जो प्लेट है वो लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दूंगी मैं, खाना है जो। तो अब शुरू करते हैं पूरियाँ उतारनी। रिफाइंड ऑलमोस्ट हो चुका है, गरम हो गया है, देखना सब्जी गई है बन, एक सीटी आ चुकी है और एक अभी आ रही है। और मैंने वो लोई को अभी रख दिया, लोई बना के रख दिया है, इधर रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा और तेज़ हो जाए उसके बाद जल्दी जल्दी पूरियाँ बना दूँगी। पूरियाँ हो रही हैं, तो पूरियाँ होने वाली है तैयार, कुछ हो गई है कुछ करती है। पूरियाँ तैयार होने के बाद दिखाती हूँ लड्डू गोपाल का भोग, क्या क्या रखा हुआ मैंने भोग में, तब तक कंप्लीट कर लेती हूँ पूरियाँ। तो जी लड्डू गोपाल का भोग हो चुका है तैयार, ये वाली पूरी मैंने रख दी है, पूरी और सब्जी भी हो चुकी है तैयार। पूरियाँ और मीठे में हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, मीठे में बर्फियाँ हैं दो टाइप की
और ये चॉकलेट्स मीठे में हैं और फ्रूट में हैं ये। तो जी लड्डू गोपाल का भोग हो चुका है तैयार, तो शाम को लगाते हैं उनको, देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं। आप भी बताना आपको पसंद आया या नहीं।